नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा की दो खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले ही महागठबंधन के अंदर जबरदस्त खेला देखने को मिल रहा है। जी हां, आरजेडी की तरफ से पहले ही दोनों सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए गए, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे गए दोनों सीटों के लिए। अब लेफ्ट पार्टियों का जो झुकाव है वो कांग्रेस के बजाय आरजेडी की तरफ देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि महागठबंधन के अंदर गजब का खेला चल रहा है। भाकपा माले ने विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का बड़ा ऐलान किया है। भाकपा माले ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस की बजाय आरजेडी के उम्मीदवारों को भाकपा माले का समर्थन रहेगा। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। माले राज्य सचिव कुणाल ने यह बताया है कि राजद द्वारा दोनों सीटों पर किए जाने वाले नामांकन में भी पार्टी नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। राजद ने पहले ही इन दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी थी। राजद ने तारापुर से अरुण कुमार साह को जबकि कुशेश्वर स्थान सीट से गणेश भारती को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद तिलमिलाई कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार दे दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मुंगेर जिला के तारापुर सीट से राजेश कुमार मिश्रा और दरभंगा जिले की सुरक्षित सीट कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को अपना टिकट दिया है। महागठबंधन में बनी इस स्थिति के बाद सबकी निगाहें महागठबंधन के अन्य दलों पर टिकी हुई थी कि उनका समर्थन किसको जाएगा, लेकिन इस बीच भाकपा माले के आरजेडी को समर्थन देने के बड़े ऐलान के बाद एक बार फिर से कह सकते हैं कि महागठबंधन के अंदर जो सियासत है वो गर्म हो गई है। महागठबंधन के अंदर कांग्रेस एक बार फिर से तिल मिला गई है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।